एक्स्ट्रा में क्या है, कलर चेंज है, जो आपको हमने बता दिया कैसे कलर चेंज करते हैं, क्लियर है। अब इसको बनवाना है आप इन सब लोगों से, कैसे बनवाएंगे अब ये आप इसको बताइए कैसे बनवाएंगे। अथवा नहीं, दिए गए चित्र में सभी अल्फाबेट हैं और सभी अल्फाबेट को लाइन टूल के मदद से बनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप लाइन ड्रो करना चाहते हैं तो आप लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे। अब आप दिए गए चित्र को लाइन टूल और कलर पैलेट की मदद से वीडियो को देखकर बनाना सीखेंगे। तो ये हम ये बनाएंगे एक सीढ़ियाँ को किन किन द्वारा बनाएंगे, कौन कौन सी यूज सीखे रहेंगे हम, आप बताओ सर। हमें ये अल्फाबेटिक एक सीढ़ी लिखनी है, ठीक है, तो हम कौन कौन सी चीज यूज करेंगे जिससे हमारी पूरी बन जाए, पूरा वर्ड बन जाए कंप्लीट। कलर भी यूज करना है हमको, सब चीज यूज करना। अब क्या करना, यहाँ पे पहले हम शेप्स वाले में जाएंगे, उसमें हम लाइन सिलेक्ट करेंगे, फिर हम कलर का कलर जाकर के कलर पैलेट से कलर चूज कर लेंगे, उसके बाद में हम नीचे आकर के अपनी शीट पर फिर उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सब में, सर आपका आ गया, ठीक है। पेन टूल को सेलेक्ट करें, अब देखो तुम ध्यान से देखो कैसे, ठीक है, फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे, लाइन टूल को के बाद साइज पे जाए, फिर ये क्या अब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या है हाईलाइट हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। हाईलाइट जो हम सेलेक्ट करते हैं वो अपने आप हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। और एक परफेक्ट साइज लें, फिर कलर को चेंज करें, उसके बाद अपने सीट पे कर्सर को लेकर आ यहाँ से लाइन नीचे की तरफ खींचें। समझ में आ रहा सबके? सर क्या मैं एडिटिंग के लिए ले सकता हूँ, उसे कलर अपनी मर्जी से दे सकता हूँ? नहीं, कलर कोई नहीं सकते हो आप सर, जिसमें आप जो कलर प्रोजेक्ट में दे रखा है सर, इसमें आप और कलर को यूज कर सकते हो सर, कितना गहरा करना है आपको, कितना वो करना है आपको ऐसा, ठीक है। फिर दूसरी लाइन ऐसे आपको साथ साथ में इसको बनाते चलना है, कंप्लीट साथ साथ बनाना है आपको, आप चेक करते रहिएगा सबका। उसके बाद एक ऐसे लाइन, फिर ऐसे, ठीक है, आप साथ साथ बनाना है इसको, आप चेक करते रहिए, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे ऐसे, जिससे कि एफ बन जाएगा सर, आपको एफ बनाना सर, हालांकि नहीं फिर कलर वैसे बना जो आप स्क्रीन पे रखेंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही बनाना सर आपको। हाँ सर, आप क्या हुआ नील खुला, इसको मैक्सिमाइज कीजिए आप, हाँ, अब हमको ये बनाना है, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वही बनाना है, वही बनाना आपको, फर्स्ट नंबर लाइन टूल से बनाना है। एल नंबर कलर चेंज कर गए थे, कलर चेंज करना हर वर्ड का, फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे, लाइन टूल यूज करेंगे, फिर कलर चॉइस करेंगे, और फिर हम फर्स्ट नंबर हम इसको तीर से दोबारा हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। हो गया कंप्लीट सबका, हो गया, ठीक है, आगे आगे काम चेंज करें। तो कौन से वर्ड बन गए हमारे, एल और एफ बन गए सब, ठीक है।
हमको हर बार क्या है कलर चेंज करना है, हर वर्ड के अंदर कलर चेंज करना है। कलर चेंज करना आता है सब पे? ठीक है, ये कैसे लाइन, फिर दूसरी ऐसे लाइन, ऐसे लाइन लेना हमको। उसके बाद नीचे एक चीज देखिए, आपके क्लास के जो स्टूडेंट हैं, क्लास सिक्स है, उनका लेवल कितना बड़ा हुआ है। अगर वो चार अल्फाबेट बना ले रहे हैं तो चार चार एक साथ बनवाइए। अगर एक एक अल्फाबेट को ड्रॉ कर पा रहे हैं तो एक एक अल्फाबेट को ड्रॉ कराइए। आपको जितना अपने स्टूडेंट का लगे लेवल, उस हिसाब से इस वीडियो को चलाना है। ये नहीं कि आप एक एक अल्फाबेट, अगर वो चार चार बना लेते हैं तो उनसे चार चार बनवाइए। अगर वो कह रहे हैं स्टार्टिंग में ही, जहाँ हमने पूछा था ना कि क्या आप इस चित्र को बना सकते हैं खुद से, अगर वो लोग कह रहे हैं हाँ सर हम देख के ही बना सकते हैं, तो देख के बनवाइए उनसे, क्योंकि वो छः क्लास तक सीख लिए हैं, इतना तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया होगा तो खुद से भी बना लेंगे। तो वीडियो आगे रुक दीजिए वहीं पे, उनसे बोलिए बनाइए और चेक करते रहिए कि क्या बना रहे हैं वो लोग। देखने के बाद अगर सबका रिजल्ट ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो वीडियो से बनवाइए। क्लियर है? जिससे कि वाई बन जाएगा, फिर कलर को चेंज। सब लोग साथ में चले, वीडियो के साथ साथ में चले, आगे पीछे होंगे फ्लो खराब हो जाएगा। अलग अलग सीधी लाइन ऐसे खींचे, आपको अपने टीचर का साथ देना है, ना ही तो आगे जाना है ना पीछे। यहाँ से ऐसे, ये चार वर्ड हो गए आपके, दोबारा से याद बना दिया। नहीं सर, वही की वही चल रहा है, चार वर्ड में वो सर कुछ और बनाएंगे। ई होगी शायद, वो भी चलेगा आगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइन ट्रैक करें जिससे कि अब यह आपका ई बन जाएगा। बढ़िया, ये तक सबका, हर वर्ड में अंदर हमको कलर चेंज करना है, कलर चेंज करें। उसके बाद कर्सर को सीट पर साथ साथ बनाओ, एक सीधी लाइन को खींचे, फिर बीच में ऐसे एक लाइन, फिर ऊपर कर्सर यहाँ पे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए जैसे कि एच बन जाएगा। कलर को चेंज करें, सीधी लाइन को ड्रैग करें, फिर यहाँ बीच में से एक नीचे की तरफ लाइन को ड्रैग करें, फिर यहाँ से ऐसे सीधे लाइन को ड्रैग करें जिससे कि आई बन जाएगा। आई तो कंप्लीट सबके। कलर को चेंज करें, ऐसे लाइन को खींचे, फिर बीच में से ऐसे क्रॉस लाइन जिससे कि यह एक्स बन जाएगा। फिर कलर को चेंज करें, ऐसे लाइन को खींचे, फिर ऊपर की तरफ छोटा सा, उसके बाद ये नीचे की तरफ लाइन, फिर अब ये ऊपर जिससे कि डब्ल्यू बन जाएगा। आपके ये वर्ड कंप्लीट हो गए, हर वर्ड के साथ हमको कलर चेंज करना है, ध्यान रखना बस। कर पा रहे हैं।
ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप चॉइस करो, उसमें जाने की जरूरत नहीं है हमारा। ठीक, कंप्लीट हो गया सब में? ठीक है, आगे बढ़ाओ। अलग अलग विंडो में अलग अलग चेंजेस थोड़ा सा वो आपको ध्यान रखना है। साथ साथ बनाइए, बिल्कुल ऐसे लाइन खींचे, फिर यहां से ये लाइन, फिर यहां पे ऐसे बीच में, जिससे कि ए बन जाएगा। कलर को चेंज करें, आप कलर चॉइस करोगे या तो ऑटोमेटिक उसमें नंबर वन पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन को खींचे, फिर ऐसे ऊपर सीधी लाइन, जैसे कि टी बन जाएगा। कलर को चेंज करें, नीचे के लाइन खींचे, फिर यहां से नीचे की तरफ ऐसे, फिर अब ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएं, कलर को चेंज करें, ऐसे लाइन ट्रैक करें।